जांच रिपोर्ट में दोषी ठहराए तहसीलदार और पटवारी पर कार्रवाई की मांग। फर्जी नामांतरण मामले में आनंद ने एक बार फिर लगाई कलेक्टर से न्याय की गुहार। हताश और निराश होकर एक पीड़ित ने एक बार फिर जन सुनवाई में कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई। आपको बता दें कि इस प्रकरण में दोषी सभी अधिकारी और षड्यंत्रकारियों पर 30 सितंबर 2021 तक कार्रवाई न होने पर मजबूरन कलेक्ट्रेट में आकर 1 जनवरी को जहर खाकर आत्महत्या करने का निर्णय लिया। आनंद पांडे के द्वारा लिया गया है। इस मामले में पीड़ित ने 14 सितंबर 2021 को सीएम 181 पोर्टल पर और सभी पत्रकारों को सूचित किया है। समाचार पत्रों के माध्यम से श्रीमान के द्वारा कार्रवाई करने का भरोसा भी दिलाया गया। आमजन से लेकर मीडिया में सभी श्रीमान के इंसाफ के कायल हैं। दरअसल मामला ये है कि पुलिस अधीक्षक कार्यालय से प्राप्त जांच रिपोर्ट 20 सितंबर 2021 क्रमांक 4297/2021 में दोषी ठहराए तहसीलदारों और पटवारियों पर कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि इसमें तत्कालीन तहसीलदार संदीप श्रीवास्तव और पूर्व तहसीलदार निर्मल सिंह राठौर के द्वारा नेहा पत्नी सुधीर पांडे के नाम फर्जी वसीयत पर प्रकरण 330A/2020 में षड्यंत्र पूर्वक नामांतरण किया गया था, जिससे दोनों बार इसे खारिज कर दिया है। प्रार्थी के द्वारा कलेक्टर को दिनांक 12 जुलाई को इस फर्जीवाड़े में दोषी पटवारी पर 12 जुलाई को कार्यवाही के लिए आवेदन दिया था। इसमें कार्रवाई का आश्वासन भी दिया था। यही आवेदन प्रार्थी के द्वारा श्रीमान पुलिस अधीक्षक को दिया गया था। कार्रवाई न होने पर प्रार्थी के द्वारा 27 जुलाई 2021 को पुनः दूसरा आवेदन गृह मंत्री, राजस्व सचिव, DGP, कमिश्नर के साथ कलेक्टर को समस्त दस्तावेजों के साथ स्पीड पोस्ट और कोरियर से किया गया, लेकिन फिर भी यहां पर कार्रवाई नहीं हुई। इससे पहले भी कई बार आवेदन पूर्व कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम और सभी माननीय को भेजे जा चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। न्यायपालिका की छवि धूमिल करने वालों पर कार्रवाई। दिनांक 20 सितंबर को पुलिस अधीक्षक कार्यालय से प्रतिवेदन भी प्राप्त हुआ। इसमें नामांतरण प्रकरण में दोषी पटवारी तहसीलदारों के लिए कार्रवाई और कलेक्टर SDM को पत्र लिखा गया है। इसमें फर्जीवाड़े कहंगाले जाएं तो संदीप श्रीवास्तव के द्वारा किए गए कई फर्जीवाड़े उजागर होंगे। जनसुनवाई के दौरान पीड़ित आनंद पांडे ने एक बार फिर आखिरी गुजारिश की गई है। वहीं नगर पालिका की छवि को धूमिल करने वाले इन रिश्वतखोर भ्रष्टाचारियों पर कठोर कार्यवाही कर दंडात्मक कार्रवाई कर मिसाल कायम करें और प्रार्थी को जीवन दान देने की कृपा करें। उक्त पत्र के साथ पीड़ित ने अंतिम पंक्ति लिखी है कि सांस का क्या है, आनी जानी है, जिंदगानी तो यूं भी फानी है, झूठ ने कत्ल कर दिया सच का, इसकी मैयत हमें उठानी है। क्या नाम है आपका? आनंद पांडे। क्या समस्या आपकी? भैया कल CSP ऑफिस से फोन आया था, वहाँ पे जांच रिपोर्ट आई है, उसमें तहसीलदार और पटवारी के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। दो बार मैडम को भी आवेदन को उन्हें लेटर लिखे, मैडम ने कोई जवाब नहीं आया, SDM मैडम ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद में उन्होंने 14 और 16 के दो लेटर मेरे पास में हैं, उन्होंने पूरी जांच रिपोर्ट दी है कलेक्टर और SDM को कार्रवाई करने के लिए लिखा उसमें। तो आप जनसुनवाई में गए थे? जनसुनवाई में आज मैं पूरी फाइल लेके और आवेदन लेके कलेक्टर महोदय को देने गया था, तो उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। बाकी जाँच चल रही है, ऐसा।